हेलो एवरीवन, ये है चैप्टर 5 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड जो कि बात करता है अपील, रिवीजन और रिव्यू। तो एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं अपील से। तो इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 44। तो अगर आपने चैप्टर 3 के सेक्शन 11 का अध्ययन बहुत अच्छे से किया हो, तो अगर आपको जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की रैंक होती है वो अगर आपको याद हो, तो आपके लिए अपील का प्रोविजन जो है बहुत आसान होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैप्टर 3 का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। तो हमें ये समझना है कि अगर आपने एप्लीकेशन लगाया है कमिश्नर के यहाँ, ओके, और कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है, तो इसकी अपील आप कहाँ पे लगाओगे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। वैसे ही सिमिलरली अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है कलेक्टर के यहाँ या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के यहाँ, तो इन दोनों की ही अपील लगती है कमिश्नर के यहाँ। और अगर आप कमिश्नर के ऑर्डर से भी खुश नहीं है, तो उसकी आप सेकेंड अपील लगा सकते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। फिर वैसे ही सिमिलरली असिस्टेंट जॉइंट और डेप्यूटी कलेक्टर की अपील कहाँ लगती है? कलेक्टर के पास। और कलेक्टर के दिए गए ऑर्डर के खिलाफ सेकेंड अपील आप लगा सकते हैं कमिश्नर के। और सारी केसेस में आपको इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि आपको लिमिटेशन दी गई है कि अगर आपको भले ही फर्स्ट अपील लगानी हो या सेकेंड अपील लगानी हो, आपको कितने दिन के अंदर लगाना है? 45 डेज के अंदर आपको अपील लगानी है। फिर आते हैं हम सब डिविजनल ऑफिसर और डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर। तो आपको मालूम है कि दोनों अथॉरिटी एक ही होती है, तो दोनों की जो अपील है कहाँ लगाई जाती है? सब डिविजनल ऑफिसर की लगाई जाती है कलेक्टर के, और डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर की अपील लगाई जाती है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के, और दोनों की ही सेकेंड अपील लगती है कमिश्नर के। और लास्टली सब डिविजनल ऑफिसर के नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड, तो सारे ही जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनकी अपील लगती है सब डिविजनल ऑफिसर या डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर के, और सेकेंड अपील कमिश्नर के। तो आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक ही ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर है कमिश्नर जिनके ऑर्डर के अगेंस्ट सेकेंड अपील नहीं लगती, बाकी सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ सेकेंड अपील लगती है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि फर्स्ट अपील पे जाना पार्टीज का अधिकार होता है, राइट होती है, पर अगर किसी पार्टी को सेकेंड अपील में जाना है तो उसे कुछ ग्राउंड्स प्रूफ करने पड़ते हैं। तो आइए उन ग्राउंड्स को समझ लेते हैं जो कि सेक्शन 44 के अंदर दिए गए हैं। तो पहला ग्राउंड कि जो ओरिजिनल ऑर्डर था, मतलब ये वाली जो अथॉरिटीज है जिनके पास आपने एप्लीकेशन लगाया था, इन्होंने जो ऑर्डर पास किया था इसी ऑर्डर को अपीलेट अथॉरिटी ने रिवर्स कर दिया हो, पलट दिया हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अथॉरिटी ने बोला था कि लॉ क्लासरूम के जो वीडियोस हैं वो अच्छे नहीं, पर इसी को रिवर्स कर दिया इन बॉडीज ने, अपीलेट अथॉरिटी ने, ये बोलते हुए कि लॉ क्लासरूम के वीडियो अच्छे हैं। तो अगर रिवर्स हो गया है तो इस ग्राउंड पे आप सेकेंड अपील पे जा सकते हैं। वैसे आप सब भी जजमेंट दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं। बढ़ते हैं सेकेंड ग्राउंड की तरफ कि जो एप्लीट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है वो विधि के प्रतिकूल हो, मतलब कॉन्ट्ररी टू लॉ, तो इस ग्राउंड पे आप सेकेंड अपील जा सकते हैं। फिर तीसरा ग्राउंड आता है कि जो एप्लीट अथॉरिटी है उन्होंने एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर दिए गए जो प्रोसीजर है उनको फॉलो करने में गलती कर दी है, और उसकी वजह से जो डिसीजन इन्होंने लिया है वो डिसीजन भी गलत है, तो इस ग्राउंड पे भी आप सेकेंड अपील पे जा सकते हैं। फिर आता है फोर्थ ग्राउंड और आखिरी ग्राउंड कि अगर जो एपिलेट अथॉरिटी है उन्होंने कुछ सारवान विवादक, मतलब मटेरियल इश्यू को, ऐसा मटेरियल पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसके ऊपर जो है डिसीजन नहीं सुनाया, उसको सॉल्व नहीं किया, तो उस पॉइंट को लेकर भी आप सेकेंड अपील में जा सकते हैं। तो ये थे सारे ग्राउंड। इसके बाद अपील से रिलेटेड कुछ सेक्शंस बच गए हैं, तो हम उसे बेयर एक्ट से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 46। तो 46 बात करता है ऐसे ऑर्डर्स जिनके खिलाफ अपील नहीं लग सकती। इनमें से सबसे पहला आता है कि अगर कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन आपने लगाई है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अंदर, तो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया है या रिजेक्ट कर दिया है, दोनों ही केसेस में अपील नहीं लगाई जा सकती। वैसे ही अगर आपने रिव्यू के लिए एप्लीकेशन लगाया या स्टे के लिए एप्लीकेशन लगाया, तो दोनों ही केसेस में एप्लीकेशन से रिलेटेड अपील नहीं लगाई जा सकती। फिर आता है अगर ये जो अथॉरिटीज ने प्रोसीडिंग चलाई है, इन्होंने अपनी प्रोसीडिंग्स में कुछ इंटरिम ऑर्डर्स पास किए, तो इंटरिम ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी अपील नहीं लगाई जा सकती। और फिर उसके बाद क्लॉज जो सब क्लॉज 5 है और बी है, दोनों के अंदर ही बहुत सारे सेक्शंस दिए गए, दोनों ही सारे सेक्शंस में अपील नहीं लगाई जा सकती। फिर सेक्शन 47 के अंदर हमने लिमिटेशन ऑलरेडी देख ली है
कि 45 डेज में आपको अपील लगानी है। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 48, ये बात करता है कि जब भी एपेलेंट अपील लगाता है तो अपील की जो पिटीशन है उसके साथ जो ऑर्डर इन्होंने पास किया है इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी आपको साथ में लगानी है। फिर आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन 48, ये बात करता है एपेलेट अथॉरिटीज की पावर। तो LRC के अंदर जो एपेलेट अथॉरिटीज है उनकी पावर दी है सेक्शन 49 के अंदर। और जब आप CPC में देखते हैं, CPC में जो एपेलेट अथॉरिटी है उनकी जो पावर है वो दिया है सेक्शन 107 के अंदर। तो 107 में जो पावर्स दी है सेम पावर्स सेक्शन 49 के अंदर दी है। जैसे कि जब भी अपील की पिटीशन लगाई जाती है अपेलेट अथॉरिटी में तो ये अपेलेट अथॉरिटी अपील को रिजेक्ट कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, इन्होंने जो ऑर्डर पास किया था इस ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं और एडिशनल एविडेंस भी ले सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या एपेलेट अथॉरिटी LRC के अंदर केस को रिमांड कर सकता है। रिमांड का मतलब ये होता है कि एपेलेट अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को केस वापस भेज दे और बोले कि दोबारा से आप इस पे डिसीजन सुनाइए। तो LRC के अंदर ये दिया है कि समानता ऑर्डरली एपेलेट अथॉरिटी केस को रिमांड नहीं कर सकती पर सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में रिमांड कर सकती है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है रिवीजन। रिवीजन दिया गया है सेक्शन 50 के अंदर। तो आप अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए कि MP लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर सिर्फ 4 बॉडीज हैं जो रिवीजन की पावर को यूज कर सकती है, बोर्ड, कमिश्नर, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। ये चारों बॉडीज जो है ये ओन मोशन पे मतलब सुओ मोटो या तो पार्टीज के एप्लीकेशन पे रिवीजन पावर यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं कि किन के ऑर्डर्स, किन अथॉरिटीज के ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिवीजन पावर यूज कर सकती है। तो बोर्ड जो है वो कमिश्नर के पास किए गए ऑर्डर या प्रोसीडिंग को कॉल कर सकता है और रिवीजन की पावर यूज कर सकता है। वैसे ही कमिश्नर कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की प्रोसीडिंग्स को कॉल करेगा, ऑर्डर को कॉल करेगा और रिवीजन की पावर यूज कर सकता है। और कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के सबॉर्डिनेट अधीन जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनके पास किए गए ऑर्डर या प्रोसीडिंग्स को कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कॉल कर सकता है और रिवीजन की पावर यूज कर सकता है। तो आप सबको पता होगा कि रिवीजन की पावर जो है वो ज्यूरिस्डिक्शन के ग्राउंड्स पे ही यूज की जा सकती है, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। तो ये जो अथॉरिटीज हैं इनको जो ज्यूरिस्डिक्शन दिया था मतलब क्षेत्र अधिकार दिया था वो ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर जाके अगर इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है तो रिवीजन की एप्लीकेशन लग सकती है। दूसरा, इनको जो ज्यूरिस्डिक्शन दिया था ये ज्यूरिस्डिक्शन को इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया और या तो इन्होंने ज्यूरिस्डिक्शन को इलीगली यूज कर लिया है, तो ये तीनों ग्राउंड पे रिवीजन की एप्लीकेशन मेंटेनेबल होती है। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन 50 के क्लॉज 3। ये हमें बताएगा कि क्या जो रिवीजनल अथॉरिटीज है वो इन अथॉरिटीज के पास किए गए ऑर्डर्स को रिवर्स कर सकता है मतलब पलट सकता है या नहीं। तो जनरल प्रोविजन ये है कि रिवीजनल अथॉरिटीज इनके दिए गए ऑर्डर्स को रिवर्स नहीं कर सकते, पर सिर्फ 2 एक्सेप्शन है जहां पे रिवर्स करेंगे। पहला ये कि अगर ये जो अथॉरिटीज हैं इनको ये लगता है कि जिस पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई है रिवीजन की उस पार्टी के फेवर में ये अथॉरिटीज अगर डिसीजन सुना देती तो डिस्प्यूट वहीं खत्म हो जाता, डिस्पोज ऑफ हो जाता केस। ये पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड ये कि ये जो अथॉरिटीज है इनके ऑर्डर की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया और पार्टीज को इररिपेरेबल लॉस हो गया, तो इन दोनों ग्राउंड्स पे ये अथॉरिटीज रिवीजनल पावर यूज करके इनके ऑर्डर्स को रिवर्स कर सकती है, उलट सकती है। फिर पढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, रिव्यू। तो रिव्यू दिया गया है सेक्शन 51 के अंदर और रिव्यू ये बोलता है कि बोर्ड और जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो चाहें उनको लगता है तो अपने ऑर्डर की रिव्यू कर सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कमिश्नर कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर जो है वो किसी अदर रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कमिश्नर कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को सेंक्शन लेना पड़ेगा मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी बोर्ड की अगर वो किसी अदर रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर को रिव्यू कर रहे हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर या कलेक्टर के सबॉर्डिनेट ऑफिसर चाहते हैं किसी अदर रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर को रिव्यू करना तो इन्हें किससे सेंक्शन लेनी पड़ेगी, इन्हें सेंक्शन लेनी पड़ेगी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के ऊपर।
फिर आते हैं रिव्यू करने के ग्राउंड, तो सिर्फ तीन ग्राउंड है। पहला ग्राउंड आता है डिस्कवरी, कि अगर रिव्यू की एप्लीकेशन लगाने के दौरान कुछ नए एविडेंस की खोज हो गई है जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान नहीं हो पाई थी, तो इस ग्राउंड पे आप रिव्यू की एप्लीकेशन लगा दीजिए। दूसरा ग्राउंड आता है मिस्टेक, कुछ मिस्टेक हो गई हो। और तीसरा, अगर कोई सफिशिएंट रीज़न है, उस रीज़न पे भी ये अथॉरिटीज जो है अपने ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिव्यू कर सकती है। तो गाइज ये था हमारा चैप्टर 5, सारी सेक्शन हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट के सेक्शन जो है वो कुछ एंसिलरीज है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये तीनों को याद रखना है, इन तीनों के ग्राउंड्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 59, जो प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लोनिया।